तो अभी अभी मेरे पास कम से कम 5 मिनट के अंदर 3 बार पवन का फ़ोन आ चुका है और हम लोग अभी एटा जाने वाले हैं। हमारा सुबह से यानी कि कल ही प्लान बन चुका था एटा जाने के लिए। तो एटा क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या करना है हमको वहाँ जाकर, अभी आप वीडियो में देख ही लेंगे। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो दोस्तों, मैं हूँ बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल खान व्लॉग्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। सुबह लगभग 11:30 बजे हमने ये फाइनल कर पाया था कि हमें एटा आज जाना है या नहीं जाना है। तो लगभग 12 बजे तक ये फाइनल हो चुका था कि चलिए क्लियर हो चुका है कि एटा हमें जाना है। गाड़ी के साथ में है, 4 व्हीलर के साथ में, वो यहीं मेरे घर के नज़दीक में उन्होंने अपनी 4 व्हीलर को खड़ा कर रखा है। तो वहाँ मुझे पहुँच रहा हूँ मैं, वहाँ मुझे जाना है और लगभग आ ही चुका हूँ जिस पॉइंट पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करने को बोला था। वहाँ मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो हो सकता है कहीं आसपास में उन्होंने अपनी गाड़ी को लगा रखा हो। तो मैं बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी। अभी आप देख रहे हैं मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ, यहाँ पीछे मेरे खेत पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिएगा गेहूँ की फसल। टाइम लगभग 1 बजने वाला है और धूप तो खैर अब मौसम इतना चेंज हो चुका है कि अभी ज़्यादा मतलब गर्म नहीं हो पाया है। बस मुझे किसी तरीके से पवन के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाना है, क्योंकि भाई साहब आधे घंटे से खड़े होकर वेट कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। तो एक बार मैं अपना फ़ोन को निकाल कर एक बार फ़ोन लगाता हूँ कि भाई साहब कहाँ खड़े हैं। जहाँ मैंने बताया था वहाँ मैं आ चुका हूँ, वहाँ मुझे अभी दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो एक बार मैं फ़ोन लगा लेता हूँ। कल ही हमारी बात हो गई थी मॉर्निंग में कि निकलना है आज, लेकिन सुबह 10:30 बजे तक तो भाई साहब का फ़ोन ही नहीं लगा और अभी भी यही पोजीशन है। देखिए जिस नंबर से फ़ोन आया ना उसी नंबर पे मैंने कॉल बैक कर रहा हूँ, तो अभी तक फ़ोन नहीं लगा। लगा अब लग रहा है। अरे भाई साहब कहाँ है गाड़ी आपकी? कौन से मोड़ पे? हमने यहाँ बोला था भट्टे का जो ऑफिस है वहाँ पखड़िया के नीचे खड़े होना है। अच्छा तालाब के पास खड़े हो ना? ठीक है समझ गया मैं। चलो क्या बवाल ले रहे हैं भैया तुम? अरे इस बवाल पे ध्यान मत दो तुम। तो पवन से हमारी बात हो गई है, वो यहाँ से लगभग 1 मिनट की डिस्टेंस पर खड़े हो गए हैं तालाब के पास। बोला यहाँ था, आगे बढ़ गए थोड़े से, कोई बात नहीं है। पेनल्टी तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हम ही लेट हैं, वो हम पर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो पवन की गाड़ी हमें दिख गई है, देखो ये रही, ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं। बोला कहीं और था और वेट कहीं और करवा रहे हैं। ये वाली खोले तुम यार, बहुत दूर खड़े हुए हो यहाँ पे। यहाँ बताया भाई साहब वहीं पे, ऐसे नहीं। अरे तो देखो आ गए हम पवन भाई के पास, और बताया था हमने कहीं और ये मिले हैं कहीं और। अगर यहाँ का इन्होंने बताया होता तो हम दूसरे रास्ते से आते, क्योंकि दोनों तरीके से घर हमारा नज़दीक पड़ता है। जिस रूट से अभी हम आए हैं चलकर, आपने देखा होगा अभी खेत वेत, तो वो इनकी मेहरबानी थी, हमने बोला था इनको वहाँ खड़े होने को। चलो खैर कोई बात नहीं है, सॉरी हमको बोलना चाहिए था, ये हमारा वेट कर रहे हैं आधे घंटे से। ये हैं हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर पवन कुमार। अब हम बात करने वाले हैं कि एटा हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। इन भाई साहब से कल से हमारी बात हो रही थी और उससे पहले से भी हमारा डिस्कशन चल रहा था। पवन भैया को लेनी थी एसी, तो हम एसी लेने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है एटा, तो मैक्सिमम हरी भरकम अच्छी क्वालिटी की बढ़िया ओरिजिनल चीज़ें वहीं मिलती हैं, कासगंज में मिलती हैं जो हमारा खुद का डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी हम जा रहे हैं एटा में, तो वहाँ देखेंगे जाके क्या हमें पसंद आएगा। ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, मैं बोल देता हूँ, ये नहायत ही शरीफ, अच्छे और जितना मतलब गुण हो सकता है एक आदमी के अंदर, मतलब वो जो होता है ना नेता लोग अपने कैरेक्टर के आगे लिखा हुआ होते हैं, कर्मठ जुझारू दुधारू सब, मतलब वो छुटाकर इनके पे लगा दो तो बात बनती है। बढ़िया यार, ऐसे दोस्त ना कभी हाथ से जाने मत देना, जैसे मैंने इनको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है ऐसे। ये हुई ना बात, ये वेरी गुड। तो अभी डिस्कशन ये चल रहा था कि अभी हमें गंज से ही एसी के प्राइस को पता करना है या फिर एटा ही चलना है। वैसे एटा जाने का तो प्लान पूरा ही है और अभी हम एटा के लिए निकल भी चुके हैं, पर गंज में भी एक दो शॉप हैं जहाँ पे मतलब ये डाउट है थोड़ा सा कि वैरायटी लेटेस्ट होगी या नहीं होगी, मतलब जो मॉडल लेटेस्ट चल रहा है वो उस टाइप का हो।
होगा या नहीं होगा, इस बात पर थोड़ा कन्फ्यूज़न था। वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गया, हम सीधा एटा ही जा रहे हैं, वहीं जाके देखेंगे कि जो हमने अभी फ़ोन पर सुबह मॉर्निंग में बात करी थी एक शोरूम पर, तो उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है देखने को वहाँ पे। और अभी गंज से तो हम निकल चुके हैं, देखिए डॉक्टर साहब का पेट का पानी भी काफ़ी बार हिल चुका है। अच्छा इनका पेट ही नहीं है, पानी नहीं है, पेट ही नहीं है। पानी कहाँ से आएगा। तो एटा हम आ चुके हैं और बस 5-6 मिनट के अंदर शोरूम पर पहुंचेंगे जहां हमने बात करी थी, और एक दो और शोरूम को ही विजिट कर लेंगे जहां पे अगर रेट अच्छे लगे तो वहां देख लेंगे। तो अभी हमने एसी के रेट कर लिए हैं, यहां पे एक शोरूम जो देख रहे हैं साइड में, ये एक शोरूम है एसी का, यहां पे हमने अभी बात की है, करीब 15 मिनट बैठकर बातचीत की है। तो लगभग एसी का, एसी 1.5 टन का इन्होंने 36,500 का हमें बताया है। तो एक और शोरूम से हमारी सुबह बात हुई थी, वहाँ जाके हम एक बार और रेट को कंफर्म कर लेते हैं, फिर ये डिसीजन लेंगे कि कहाँ से हमको एसी परचेज करना है। जिसमें रेट अच्छा लगेगा, मुनासिब रेट लगेगा तो एलजी ले लेंगे, अगर हमें अच्छा लगा कि वोल्टेज में अच्छी रेट मिल रहे हैं, कम पैसों में मिल रही है तो वोल्टास ले लेंगे। ठीक है, ठीक। और बाकी के जितने भी पैसे बचेंगे आज ही पार्टी करके सब उड़ा देंगे, बात कर लेंगे। बात कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट 6,910 या 20 कर लेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी। तो फाइनली एलजी का एसी हमने डिसाइड कर लिया है, और 4 स्टार में, 3 स्टार 4 स्टार में काफ़ी देर तक डिस्कशन चला, और डिस्कशन होने के बाद 4 स्टार हमने लॉक कर दिया है, और 4 स्टार को हम परचेस करने वाले हैं अभी। और यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी होने वाली है, वो एक्टिविटी हम कर रहे हैं। एक्टिविटी करने से क्या रहेगा, तो कुछ हमें प्राइस वगैरह मिल जाएगा यहाँ पर। अब एक्टिविटी कर लो थोड़ी, कलाबरेट तो नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें ना आपको इस टाइमिंग के अनुसार आपको ये कितने ज़्यादा करूँ ना खुला सकते हैं, इसमें जो आपकी टाइमिंग सेट होगी, इसमें लगभग 2 मिनट का टाइम है, आप उतनी टाइमिंग के अंदर आप इसमें पहले ये मैं अभी स्टार्ट कर दूँगा, जब जब तक ये वाला आपको दूसरी साइड आएगा तब इतनी देर में आपको गलून पा जाएगा। फाइनली 150 रुपये का इनाम भी हमने जीता हुआ है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रेस्ट खेला था जिसमें सिर्फ 150 रुपये ही कमा पाए हम।
हमारे यहाँ पे कुछ लकी कस्टमर्स थे, इनके गिफ्ट्स निकले। अच्छा अच्छा, डेढ़ लाख वाले कॉस्टिंग के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब गिफ्ट में निकले हुए थे कस्टमर। तो अभी यहाँ होली के ऑफर पे रहेगा कुछ ऐसा? नहीं, ये दिवाली ऑफर्स बस आए, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब एक्टिविटीज जो होती रहती हैं वो हम कस्टमर्स को डेली अपडेट करते रहते हैं। अब भाई हम आप लोगों को सोशली भी एक्टिव मिलते हैं, मगर सोशली क्या, जब कस्टमर को लेना होता है वो तभी आता है। तो हमने फिलहाल अभी एसी में ये वाला मॉडल हमको पसंद आया था, LG 4 स्टार और 1.5 टन की एसी है, जो हमें लगभग 40,000 कुछ रुपए की पड़ी है। इसकी भी कुछ खासियत है, जब इंस्टॉल हो जाएगी तो बताएंगे आपको। ये आए थे तब भी खामोश हैं, एसी हमने इनके लिए ले लिया, इनके गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए, तो अभी भी खामोश हैं, ये कुछ बोलते नहीं हैं। ठंडे तो हैं या रेडी हैं? या तो इनको ये आज इनको ये ठंडे हैं, टेम्परेचर ठंडा हो चुका है, क्योंकि आदमी का जब पैसा ख़त्म होता है तब भी ठंडा हो जाता है। तो एसी हमने परचेज कर ली और हमारी कार में भी शिफ्ट हो चुकी है। और हाँ भैया, अभी हमने शुरू में जो कॉन्टैक्ट खेला था ना, जो गेम खेला था, उसका ये प्राइस मिला हुआ है हमें। एक ही टिकट दिया है उन्होंने, हमने दो मांगे थे। और भाई बड़ा पीने का है। हाँ भाई, इनके पेट में दौड़ रहे हैं चूहे हो गए हैं खाली पेट में। तो अभी यहाँ सामने देखिए एक ठेला है, इससे पहले भी मैंने कई एक बार यहाँ पर कुछ खाया पिया है, सामने देख रहे हैं, तो यहाँ से कुछ खाएंगे, देखते हैं कि इस वक्त इनके पास क्या क्या मौजूद है हमारे खाने पीने के मतलब से। तो चलो चलते हैं, चलें फिर। चलो भाई, चलो आओ। तो ये हो गई पापड़ी तैयार। अब हमें भी दिखाओ थोड़ा सा, ऐसे पकड़ दो बस। अब तुम खाना मत, सिर्फ हम खाएंगे जी, ठीक है? चलो भाई पकड़ दो कैमरा, लाओ लाओ। एक और रह गई, ये लीजिए, वेरी गुड। तो और भूख ज़्यादा लगी हो, ऐसे छोटे मोटे चीज़ खाने में मज़ा आता है ना, हाई लेवल पर नहीं जाना चाहिए। मकान में तो अभी यहाँ से पीछे जो मिठाई का स्टोर है, यहाँ से अभी हमने मिठाई ली है। हम सोच रहे थे इधर आओगे तुम, इधर उधर चले गए, इधर आओ हमारे बात यार। आप चलो, आप चलते हो इधर भी तो आओ, साथ साथ चलो ना, लोग देखते हैं तमाशा हो क्या रहा है। मिठाई वगैरह खरीद लिए, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ली हुई है, क्योंकि अभी हमने कुछ खट्टा मीठा खाया था, उसको लेबल में लेके आना है। कहाँ गए एक भाई साहब, कहाँ गए, इनकी जगह खाली है। अरे ना, पहला ग्लास अपने पास,
कैसी लग रही है? चेस। किस बात? एसी लिए इसका? अब इनको दो बार पार्टी देनी पड़ेगी, एक तो कल होली है और आज ही हमने एसी परचेज की है होली के शुभ अवसर पर। याद रहेगा ये बात, मतलब याद रहेगी ये बात, फीमेल बात थी इसलिए याद रहेगी। चलो ठीक है, अब तक इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी हम घर तक जा रहे हैं, अभी वीडियो थोड़ी सी बाकी हो रहे हैं, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी आ गए हम सुरपड़ा में और यहाँ पर हमारी गाड़ी में ना डीजल डाल रहे हैं हम, ये देखिए। हाँ, ये गाड़ी में डगमग डीजल अब पड़ चुका है, सेकंड में पड़ जाता है, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे है। और ये भैया देखो गाड़ी में मोटरसाइकिल बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। तो डीजल अपना पड़ चुका है, ठीक है, अब निकलने वाले हैं। यहाँ पे मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगेंगे गंजवारा पहुँचने में। हो गया काम? तो आ गए हम गंजनवारा के अंदर अपने घर पर, बस पहुंचने ही वाले हैं और शाम हो चुकी है, लगभग अंधेरा सा भी वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। मुलाकात होती है आपसे जल्दी ही और तब तक फिर ये जो भाई साहब अभी इनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इनसे इनके घर पे जाके मिलेंगे और देखेंगे एसी का किस तरीके से ये मज़ा ले रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।